दोस्तों, क्या आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है जब आप अपनी इंस्टा की आईडी को ओपन करते हैं, यानी कि इंस्टा के अकाउंट को जब आप ओपन करते हैं, तो अगर आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे आप कैसे सही करेंगे, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और यह प्रॉब्लम आपके पास क्यों आता है, कैसे आता है, और यह प्रॉब्लम आने के बाद क्या आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये हैक हो गया है, क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अब रिकवर नहीं होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा और इसका रीजन भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह रीजन आपके पास क्यों आता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है यू हैव बीन लॉग्ड आउट ऑफ बढ़िया टेक, यानी कि आपका यूजर नेम रहेगा, और यहां पर मिलेगा द अकाउंट ओनर मे हैव चेंज द पासवर्ड। इसमें बताया गया है कि इस अकाउंट का जो मालिक है या ओनर है जिसका ये अकाउंट है, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस आईडी को किसी दूसरे फोन में आपने लॉग इन किया होगा। जैसे हमारे पास एक और ये मोबाइल फोन है, मान लेते हैं कि मैंने इस फोन में उस आईडी को लॉग इन किया है, तो इस आईडी का मैंने पासवर्ड यहां पर चेंज कर दिया है। तो यहां पर बताया जाता है कि इस आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया गया है, तो आपने गलती से या आपने चेंज किया होगा तो आपके पुराने वाले फोन में आपके सामने इस तरीके से आ जाता है प्रॉब्लम, जैसा हमारे पास ये आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने पासवर्ड डालने का पेज आ जाएगा और आप अपना जो पासवर्ड नया बनाए हैं वो आप यहां पर डाल देंगे। तो ये हो गया पहला रीजन। अगर बाय चांस आपने ये पासवर्ड चेंज नहीं किया है और फिर भी आपके सामने ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये हैक हो गया है, किसी ने आपके इंस्टा की आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया है और आपकी आईडी को उसने अपने मोबाइल फोन में लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको जल्दी से अपना पासवर्ड फिर से बदलना होगा और आपको अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको चालू कर देना होगा। तो यहाँ से आप आ जाएंगे बैक, और बैक आने के बाद अब आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के इंस्टा ऐप में। अगर आपको यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन ना मिले तो आप जाएंगे अपने ब्राउजर में। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका पासवर्ड चेंज करने पर कोई प्रॉब्लम होता है तो एक बार अपने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज का, अब आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर मिलेगा क्लियर डेटा का और क्लियर कैच, अब आप इस पर क्लिक करें। क्लियर डेटा पर क्लिक करें और इसे आपको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपका जो इंस्टाग्राम होगा पूरी तरीके से रेफ्रेश हो जाएगा, और अब आपको एक बार चेक करके देखना है कि आपका लॉग इन हो रहा है या नहीं। अगर आपका अभी भी लॉग इन ना हो तो आपको अपने आईडी का एक बार पासवर्ड जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जाना होगा ब्राउजर पर। ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सर्च बार, अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम, उसके बाद यहां पर टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज, और लिखेंगे आपको इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज, और आप लिख देंगे बढ़िया टेक। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको लिखना होगा इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज बढ़िया टेक, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट एक लिंक मिल जाएगा पासवर्ड चेंज करने का, इस पर क्लिक कर दे तो आपके सामने बढ़िया टेक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यह मेरा ही वेबसाइट है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा पासवर्ड चेंज लिंक, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर मिलेगा आपको यूजर नेम, फोन नंबर या आपका ईमेल आईडी। तो आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपने काहे से बनाया हुआ है, फोन नंबर, ईमेल आईडी या आपका यूजर नेम जो भी हो आपके पास, वो आपको यहाँ पर डाल देना हो। तो जैसे हमें अपना यूजर नेम हमें पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यूजर नेम डाल देंगे और सेंड लॉग इन लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, आपके सामने एक कैप्चा निकल कर आ जाएगा, आपको इसे राइट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे रिट्री कर सकते हैं, तो जो आपको समझ में आ जाए वो आपको पर इसमें ले लेना होगा। तो जैसे ब्रिज, तो हम यहां पर ब्रिज को ले लेते हैं इस तरीके से। जैसे आप यहां पर अपने ब्रिज को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका यहां से आपको वेरीफाई कर देना है और आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी या आपका मोबाइल नंबर यहां पर शो हो जाएगा, अब आप इसे ओके कर दें। अब आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया गया होगा या आपको एक लिंक भेजा गया होगा। जैसे हमारे ईमेल आईडी पर हमें एक लिंक भेजा गया है, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वह लिंक आपका ओपन हो जाएगा। तो हमारे इस वाले मेल आईडी पर हमें लिंक भेजा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर ये टाइम है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा दो, आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक मिलेगा लॉग इन करने का और एक मिलेगा रिसेट करने का। तो आपको रिसेट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक अपना नया पासवर्ड बना लेना है, और जब अपना यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेंगे तो फिर आपके सामने जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा हम आपको दिखा देते हैं,
आपके पास जो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दें और आपका जो अकाउंट होगा वो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से आ चुका है और आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है। तो आपको जल्दी से अपना पासवर्ड एक बार फिर से नया बना लेना है और फिर आप यहाँ पर डाल देंगे। और इसमें आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी चालू कर लेना है इंस्टाग्राम अकाउंट में। कैसे चालू करते हैं इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो वीडियो अगर आपने ध्यान से पूरा देखा होगा तो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों के पास इसे शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है और अगर आती है तो इसे कैसे सही किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।